कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आम जनता के लिए क्या क्या सौगात लेकर आई है कांग्रेस। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, साथ ही बिजली का बिल भी होगा आधा। इसी के साथ दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर की आम जनता को छूट, जो सरकार किसानों को चुकाएगी। प्रदेश में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आएगी, साथ ही रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट। हर गांव में गौशाला खोलने के साथ ही संचालन हेतु संस्था को अनुदान भी दिया जाएगा। नई फसल योजना लागू करते हुए खेत को इकाई बनाया जाएगा, जिसका खर्च कांग्रेस सरकार उठाएगी। ऐसे परिवार जिनके सर पर खुद की छत नहीं है, उन्हें 450 स्क्वायर फीट का प्लॉट और 2.5 लाख रुपए नगद घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को लाभ का धंधा बनने तक 10,000 रुपए वेतन अनुदान सरकार देगी। सरकारी योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्तियों को नौकरी लगने तक 4,000 रुपए वेतन अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी को सरकारी नौकरी या 15,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 51,000 रुपए प्रतिमाह की सम्मान राशि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए की जाएगी। बेटियों को स्कूल से लेकर पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा, कॉलेज में आने पर स्मार्टफोन और शादी के लायक होने पर 51,000 रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। 12वीं कक्षा में 70% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के साथ ही छात्राओं को दोपहिया वाहन भी रियायती दर पर दिया जाएगा। घरेलू बिजली के उपयोग पर बड़ा डिस्काउंट देते हुए 100 यूनिट प्रति माह तक महज 1 रुपए प्रति यूनिट का चार्ज लिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे खाद्य वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण कर उन्हें रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। आदिवासी और एससी एसटी को जमीन का मालिक बनाने के साथ ही उनका 1 लाख रुपए तक का कर्ज भी माफ किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के साथ ही उन्हें 7वां वेतनमान भी दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान गंवाने वाले नागरिक के परिवार को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए तक और मृतकों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, जननी सुरक्षा एक्सप्रेस, 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही डॉक्टर्स और नर्सों की भर्ती भी की जाएगी। इसी के साथ 4 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। बटाई पर खेती और खेतीहर मजदूरों के कल्याण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका जीवन आसान हो सके। अधिक उम्र के बुजुर्गों को 1 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। प्रदेश की प्रतिभाओं के लिए प्रदेश रत्न और प्रदेश भूषण पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे।